तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 160R वर्सेस टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V। दोनों ये कहती मोटरसाइकिल है जो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे तगड़ी चल रही है, आज के टाइम पे मार्केट चल रही है। तो देखते हैं दोनों में से आप लोग की कौन सी बाइक फेवरेट है, तो कमेंट में जरूर बताना कि दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है। मेरे पास इसमें से एक है जो कि अपाचे आरटीआर 164V स्पेशल एडिशन मेरे पास है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्राइस के मामले में 30,000 आप लोग ऐड कर देना, बाकी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सिर्फ 1,000 रुपीज़ का फ़र्क मिलने वाला है। कैसे? एक्सट्रीम जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 1.33 लाख रुपीज़ की एक्सट्रीम प्राइस मिलेगी, वहीं पर अपाची जो मिलेगी वो मिलेगी 1.32 लाख रुपीज़ की, यानी सिर्फ 1,000 का फ़र्क है दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। तो देखते हैं 1,000 रुपये में हमें किस बाइक में ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है एक्सट्रीम के अंदर 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 15.2 PS एट 8,500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉक निकालेगी वो निकालेगी 40 Nm एट 6,500 RPM पर। BS6 Compliant 2 का इंजन मिलेगा, सिंगल सिलेंडर बाइक होने वाली, ओरिंग चेन ड्राइव मिलेगी, और 2-वाल का इंजन जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल बाइक आपको मिलने वाली है। अपाची आरटीआर 164V की अगर मैं बात करूँ तो 1000 कम में हमें क्या क्या चीज़ें मिली इंजन के मुकाबले में। तो इसके अंदर आपको 159.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल ऑयल कूल SOHC FI इंजन आपको इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं इंजन की प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 4cc जो है एक्सट्रीम आ गया है, लेकिन ऑयल कूल्ड आपको अपाची इसमें दे रही है, ऑयल कूल का फीचर आपको अपाची मिलती है। मैक्सिमम पावर जो इसके अपाची में मिलते हैं वो मिलते हैं 17.55 PS एट 9,250 RPM पर। अगर मैं इसकी बात करूँ पावर के मामले तो पावर अपाची में जो है आपको 2.3 PS आपको ज़्यादा मिल रही है अपाची के अंदर। वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 14.73 Nm एट 7,250 RPM पर। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 0.75 Nm आपको ज़्यादा मिलने वाला है अपाची में। यहीं पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर दोनों ही बाइकों के अंदर ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी, और अपाची में आपको 4-वाल का इंजन मिल रहा है। 1000 रुपये फालतू देखिए 4-वाल का इंजन मिल रहा है, और पावर भी ज़्यादा है और टॉर्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक ऑप्शन मिलेगा, सिंगल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अपाची से तो भाई मैं 50 का माइलेज निकालता हूँ, एक्सट्रीम जो है वो भी आपको अराउंड 48 के समथिंग का माइलेज निकाल के दे देगी, क्योंकि अपाची से भी मैंने निकाल के देखा और अपने वकील साहब हैं उनके पास भाई एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम से उन्होंने 48 का माइलेज एग्जैक्ट निकाल के दिया, जो कि हमने खुद ही निकाला था इसके अंदर माइलेज। माइलेज हमने माइलेज टेस्ट की बॉटल से चेक किया था तो 48 का माइलेज ये जो बाइक है ये निकाल के दी थी। यानी अगर देखा जाए तो माइलेज के मामले में अगर आप मेरी तरह बाइक चलाते हो तो आप अपाची से 50 का माइलेज निकाल सकते हो, ये है। तो पावर के मुकाबले में 50 का माइलेज काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे जो है अपनी अपाची जो है वो विन होती है। वहीं पे अगर हम टायर की बात करें तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, रियर टायर जो मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिल जाएगा आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और अपाची के अंदर आपको 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा और रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम का फ्रंट टायर वाइड है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉर्नरिंग में स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी, तो फ्रंट टायर में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे दोनों ही बाइक के ट्यूबलेस टायर मिलेगी, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएगा, जितना ज़्यादा चलाओगे जितना गर्म होगा उतना ही मक्खन रिस्पॉन्स देगी। वहीं पर अगर हम डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो सीट हाइट में एक्सट्रीम की बात करूँ तो 790 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी एक्सट्रीम के अंदर, अपाची के अंदर आपको मिलेगी 800 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी अपाची में, यानी 10 mm ज़्यादा जो मिलेगी वो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाली है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1327 mm का व्हील बेस आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और यहीं पे अपाची के अंदर 1357 mm का व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी 50 mm जो है नॉट 50 mm आपको 30 mm ज़्यादा मिलेगा व्हील बेस जो है वो अपाची में ज़्यादा मिलेगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ 2029 mm की लेंथ मिलेगी, और वहीं पर अपाची के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2035 mm की लेंथ आपको मिलेगी। यानी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 6 mm ज़्यादा मिलने वाली है अपाची में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो खास कर से इंपॉर्टेंट है, मैं भाई ऑफ रोडिंग लवर हूँ सॉरी तो मैं ऑफ रोडिंग लवर, तो भाई मेरे लिए तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, अपाची के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। अपाची यहाँ पे विन करती है 13 mm से,
तो 13 mm ज़्यादा जो है वो आपको अपाची के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1052 mm की हाइट आपको एक्सट्रीम में मिलेगी, और वहीं पर अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1050 mm की हाइट आपको मिलेगी। तो हाइट के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो हाइट छोटी है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये मैं एक हाइट के मुकाबले में देखा तो देखो पॉइंट हमारा एक्सट्रीम की तरफ जाता है, पॉइंट एक्सट्रीम की तरफ क्योंकि हाइट ज़्यादा है, लेकिन ये कि अपाची जो है ना थोड़े से शॉर्ट राइडर भी चला सकते हैं। 2 mm में फर्क है, पॉइंट की बात है, पॉइंट पकड़ेंगे हम लोग। और वहीं पर वृत्त की बात करूँ तो वृत्त आपको मिलेगी एक्सट्रीम में 793 mm की वृत्त आपको एक्सट्रीम में मिलेगी, और 790 mm की आपको अपाची में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर पेट्रोल टैंक दोनों ही बाइकों के अंदर मिलेगा, तो 2 लीटर माइनस कर दे तो 10 लीटर पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही बाइकों के अंदर मिलने वाला है। कव वेट की बात करूँ तो कव वेट जो है एक्सट्रीम के अंदर 143 kg का कव वेट मिलेगा, लेकिन अपाची के अंदर आपको 146 kg का कव वेट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो अपाची का जो कव वेट है ना वो ज़्यादा है, तो ये एक ड्रॉबैक है। अपाची का कव वेट पर्सनली मैं भी अगर बोलूँ तो भाई है, अपाची का कव वेट ज़्यादा है, पता नहीं कंपनी ने क्यों ज़्यादा वेट कर दिया बाइक का, समझ में नहीं आ रहा। वेट अगर हल्का भी कम कर दे, अगर 5 किलो भी वजन कम कर दे इस बाइक का तो मज़ा आ जाएगा भाई, बहुत तगड़ा माइलेज निकालेंगे, मैं तो 55 तक का निकाल लूँगा यार। तो 146 kg का कव वेट आपको अपाची में मिलेगा, तो यहाँ पे 3 kg जो है वो अपनी एक्सट्रीम विन करती है, अपाची लूज़ करती है क्योंकि कम है एक्सट्रीम में, ज़्यादा एक्सट्रीम में कम है। LED टेल लाइट दोनों बाइकों के अंदर आपको LED टेल लाइट मिलेगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है, और रियल ब्रेक जो मिलेगा 220 mm का रियल ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है। यहीं पे मैं अगर अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक जो मिलता है वो आपको मिलेगा 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल डिस्क ब्रेक आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा। देखो अगर यहाँ पे अगर बात करी जाए ना तो दोनों ही बाइकों के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको अपाची के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है पैडल डिस्क ब्रेक, तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको दोस्तों पैडल डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो विन करती है वो अपनी एक्सट्रीम विन करती है, क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर जो व्हील बेस का डायमीटर है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है, 6 mm ज़्यादा मिल रहा है फ्रंट में, तो यहाँ पे जो विन करती है ये आपकी एक्सट्रीम करती है। ओ अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में, यहाँ पे दोनों टक्कर देती है भाई, दोनों टक्कर देती है, दोनों के अंदर भर भर के इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो देखते हैं कौन सी अपनी विन करती है, 1000 ज़्यादा देने में कौन सी विन करती है। तो भाई मैं पॉइंट करके पकड़ रहा हूँ, 1000 रुपये ज़्यादा देखिए हमें क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मिली, तो वो चीज़ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीम के अंदर हम बात करते हैं, एक्सट्रीम के अंदर आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वहीं पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, और हैजार्ड लाइट का ऑप्शन हैजार्ड लाइट आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगी, एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिल जाएगी, मतलब आप मीटर की जो ब्राइटनेस है वो अपने हिसाब से आप एडजस्टेबल कर सकते हो। एक्सटर्नल ग्रैब रेल, तो ग्रैब रेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्सट्रीम के अंदर जो ग्रैब रेल दे रखा है ना वो बहुत अच्छा दे रखा है। अब कंपनी ने क्या एक्सटर्नल भी कर दिया है, ठीक है, एक कर दिया है इसके अंदर एक्सटर्नल, मतलब देखो एक्सटर्नल क्या है, मैं वैसे दोनों को एक्सटर्नल बोलूँगा, एक होता है जो हम अलग से लगवा सकते हैं, वो ऊपर के साइड में लगेगा वो आप लगवा सकते हो, लाइक जैसे आपने अपाची में देखा वैसे लगवा सकते हो, कंपनी के थ्रू आप कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है, ये चीज़ बहुत अच्छी। अगर आप नहीं लगवाते ना तो भी भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे छुपा के दे रखा है इन लोगों, इतना प्यारा लगता है ना वो सेटअप मेरे को, अंदर दे रखा है बिल्कुल, जहाँ पे साइड के पैनल्स रहते हैं साइड के पैनल्स के अंदर आपको दे रखा है ग्रैब रेल, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं इसको देखा ना, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनल होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल अंदर की तरफ में जो दे रखा ना ये बड़ा मेरे को प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है मेरे को, ठीक है। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ है इसमें, कहाँ है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि हस्ती खिलती क्वालिटी ना, बहुत प्यारी क्वालिटी, बढ़िया वाली क्वालिटी दे रखी है यहाँ पे इसके अंदर। यही पे आपके उसके अंदर क्या मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको हीरो लोकेट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको कॉल के बारे में बता देगा, मैसेज के बारे में बता देगा, व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बता देगा, मेल्स वगैरह कुछ आएगा वो बताएगा, लाइव ट्रैक बता देगा कि आपकी मोटरसाइकिल कहाँ पे है, अगर आप किसी को मोटरसाइकिल अपनी दे रहे हो तो कहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। यही पे अगर मैं बात करता हूँ अपाची, 1000 रुपये नहीं छोड़ूंगा, 1000 रुपये अपाची में, 1000 रुपये हम कम दे रहे हैं, तो 1000 रुपये कम देने में हमें क्या मिलता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हो तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी आपको ऐप मिल जाएगा, यानी आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो और बाइक वगैरह अगर आप किसी को देते हो, लोकेशन वगैरह आपको लाइव आपके फ़ोन में मिल जाएगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कि उसके लिए क्या है, आपको अपने ऐप को तो मॉर्निंग में, देखो सीधी बात है मेरे पास भी है, तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले इस ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐप कनेक्ट करोगे तभी आपका काम बनेगा। मैं कह रही है तो दोनों ही बाइक के अंदर ऐप कनेक्ट करना पड़ेगा आपको मॉर्निंग में, और मेरी तो आदत ऐसी है तो आपने फ़ोन स्विच ऑफ ही मार देता हूँ, मेरी स्टार्टिंग से आदत ऐसी है, तो वहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भाई, अपाची में मिलते हैं मोड्स, तो
तो अपाचे के अंदर आप जो मोड्स मिलते हैं ना, वो मिलते हैं अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो अर्बन मोड पे हमारी जो बाइक है ये देगी 15.64 PS at 8500 RPM पर, मैक्सिमम जो टॉर्क देगी वो देगी 14.14 न्यूटन मीटर एट 7250 RPM पर। अगर हम देखें तो अर्बन मोड के हिसाब से हम एक्सट्रीम को एक बार ही करते हैं, तो देखो एक्सट्रीम अगर अपाचे अर्बन मोड पे चलती है तो भी अर्बन मोड पे ज़्यादा पावर निकाल के देगी आपको, ठीक है, ज़्यादा पर 15.64 PS की पावर निकाल के देगी यहाँ। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो 15.4 था और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी एक्सट्रीम के अंदर 15.2 PS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको यह है अगर हम इसको अर्बन मोड पे चलाएं ना तो जाके एक्सट्रीम को टक्कर देगी, अगर हम एक ड्रैग रेस करें ना तो वहाँ पे क्या एक्सट्रीम को ये वहाँ पे टक्कर देगी, ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पे आपको टक्कर देगी। और टॉर्क तो आपको सेम ही मिलने वाला, तो यहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स मोड पे तो नहीं दे सकती, टॉप एंड वगैरह में नहीं दे सकती, लेकिन बट ये है कि अगर अर्बन मोड पे दोनों मोटरसाइकिल को अगर हम एक रेस देना तो दोनों आजू बाजू चलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो अब के इसके अंदर जो एग्जॉस्ट है, तो अपाची के अंदर मेरे को एग्जॉस्ट इस बार का पसंद नहीं आया, बिल्कुल नीचे से दे दिया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्यों रीज़न बताएंगे क्यों अच्छा नहीं लगा बताएंगे, ठीक है। वो मैंने अपाची वाली वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें देख लेना क्यों अच्छा नहीं लगा मेरे को, ठीक है। तो चलो वो खैर अपने अपने कंपनी ने है, क्योंकि इस बार का क्या, चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या है ना थोड़ा सा नीचे है, तो नीचे होने की वजह से क्या है ना, जैसे भाई मैं हूँ ऑफ रोडिंग लवर, पानी वगैरह में सब मैं चला देता हूँ, मोटरसाइकिल को चलाओ भाई साहब पैसा फूक कर चलाओ, तो वहाँ पे क्या है ना कि अब जो मेरे पास अपाची जो पीछे की तरफ एग्जॉस्ट जा रहा है ना, वो क्या एक तो देखने में प्यारा लगता है, ये मुझे थोड़ा सा देखने में भी अच्छा नहीं लगा, लुक वाइज ऐसा लगा थोड़ा सा ना लग रहा है कि कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी, थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दी। ये है कि लाइट वेट करने के लिए करा है कंपनी ने, लेकिन ये है कि जो वाला एग्जॉस्ट है ना वो क्या भाई, जहाँ तक आपका एग्जॉस्ट जाता है ना इंडिकेटर से, ये मान के चलो एक हाथ के जितना एक फर्क होगा, मतलब जितना हमारा पाम होता है इतना ही फर्क होगा, लेकिन इतने फर्क में काफ़ी ऊंचा एग्जॉस्ट है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या अगर हम ऑफ रोडिंग वगैरह में चलाएं तो भाई कोई टेंशन नहीं, आराम से आप चला सकते हो, कहीं आपके इंजन वगैरह में पानी नहीं जाता। नेक्स्ट अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, क्लच लीवर आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, और साथ के साथ में आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी भाई मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मैं माइलेज इतना निकालता हूँ। इसमें क्या होता है भाई, अपने गियर्स डाल दो और मोटरसाइकिल अपनी अपने आप चलेगी। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको भाई माइलेज आपको बिल्कुल एक तरीके से मान लो स्कूटी बन गई अपनी गाड़ी, क्लच वाली स्कूटी क्लच वाली स्कूटी रेस नहीं देनी, क्लच वाली स्कूटी बन गई अपनी। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो अपाची है 1000 कम ले रही है एक्सट्रीम से, लेकिन यहाँ पे हमें ये फीचर्स ज़्यादा दे रही है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से बाइक में से कौन सी बाइक जो है वो हमें परचेज करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर मैं आप लोगों को सीधा बोलूँ ना तो भाई अपाची ले लो खुला बात है अपाची ले लो, क्यों, एक तो 1000 रुपये कम दे रहे हो, पावर ज़्यादा मिल रही है, टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, मोड्स मिल रहे हैं आपको अर्बन स्ट्रीट सारे स्पोर्ट्स मोड्स तीनों मोड्स मिल रहे हैं। अर्बन रेन मोड के अंदर सबसे खतरनाक चीज़ होती है बाइक फिसलने की, तो बाइक फिसलने में भाई मैंने पर्सनली यूज़ किया, इतना प्यारा ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, इतना प्यारा ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, बाइक फिसल नहीं सकती किसी भी हालत में। यहाँ पे आप लोगों को एक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपके अब एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती या कम होती है, तो वहाँ पे आप लोग एक बार एक एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो भाई अपाची की तरफ जो आगे बंद करके इतनी तो प्यारी बाइक फिसल नहीं सकती। पर्सनली भाई मेरा ये ओपिनियन है, मैंने बहुत तगड़ी करी है, मैं कहता हूँ ना मैं बचाऊँ, वरना अगर मेरे में उसमें वो नहीं होता ना रेन मोड, मैं रगड़ मार जाता, इतना बुरा मैं गिरता है। वहाँ पे बाइक ने मोटरसाइकिल में बहुत साथ दिया है मेरे को, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपाची आप 164 भी, इन दोनों ही बाइकों के अंदर कंपेयर की बात करें तो मुझे पर्सनली अगर मेरे पास ऑप्शन होता, जो कि मैंने ऑप्शन लिया और मैंने ऑप्शन को चूज़ करा, तो मैंने अपाची RTR 164 भी ली। एक्सट्रीम मैं देखने गया था, बट थोड़ा सा मुझे लगा नहीं कि मेरे हिसाब से है वो मोटरसाइकिल मेरे लिए बनी है, मेरे लिए अपाची बनी थी। तो यहाँ पे आप लोग अपाची को प्रेफर कर सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के बाद दो चल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक दो चल को जो सब्सक्राइब करना, तो ओके बाय।